अबैकस बच्चे के लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन को डेवलप कर देता है और दोनों में बैलेंस क्रिएट कर देता है, जिससे क्रिएटिविटी हो जाती है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छी हो जाती है और आईक्यू का भी बच्चा पूरा यूज करना शुरू कर देता है। अब है तो अबैकस कैलकुलेशन डिवाइस, आपने बिल्कुल सही सुना है कि मैथ अच्छा हो जाता है, बिल्कुल, बट इस कैलकुलेशन का करने का जो तरीका है ना, उससे ब्रेन डेवलप होता है, ये नॉर्मल कैलकुलेशन नहीं होती। इसमें दोनों हाथ इकट्ठे यूज होते हैं, दोनों ब्रेन इकट्ठे यूज होते हैं, अगर बैकस टूल पे किया जाए तब भी दोनों ब्रेन और दोनों हाथ इकट्ठे यूज होते हैं, जिससे बैलेंस क्रिएट होता है। आप क्या हो गए, ये कैलकुलेशन का मेथड हमें तो नहीं पता, घर पे कैसे प्रैक्टिस कराएंगे? कोई बात नहीं, हम कभी कभी पेरेंट्स की भी वर्कशॉप करते हैं, पेरेंट्स की वर्कशॉप में उनको सिखाते हैं कि आपको घर पे कैसे प्रैक्टिस करानी है, अबैकस आपको कैसे करना है। फिर लोग कहते हैं कि हर बार हाथ का यूज करना पड़ेगा, ब्रेन पे कैसे अफेक्ट आएगा। हम एक समय के बाद इसको सिर्फ ब्रेन के थ्रू करवाना शुरू करते हैं, बच्चे इसको ब्रेन में विजुलाइज करते हैं, देखते हैं और फिर करते हैं। उससे पहले तो ये दोनों हाथों का सिर्फ यूज कर रहे थे, अब ब्रेन का यूज, लेफ्ट और राइट ब्रेन का यूज बिल्कुल इकट्ठा यूज कर रहे हैं। इससे ब्रेन की डेवलपमेंट और फास्ट होती है, कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ जाता है और ब्रेन बैलेंसिंग अच्छे से होती है। तो वेट किस चीज का कर रहे हो, फटाफट विजिट कर लो पीएसएल इंस्टीट्यूट।